अल्लाम नजर प्रोसराम के साथ मैं हूँ अफजलूबी नजरन हुकूमत तीन साल में मुआशी इसकाम लाने के लिए और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए बार बार वजारतें तब्दील कर रही है टैक्स निज़ाम में फॉर्म्स लाने के लिए एफ बी आर में बार बार तब्दीलियाँ की गई हैं इसके बावजूद कहाँ तक आम आदमी को रिलीफ मिला क्या मुआशी इसकाम आया बजट दो हज़ार इक्कीस और बाईस आने वाला है क्या होगा हुकूमती तरजियात क्या होंगी और मसाइल क्या होंगे इस पर गुफ्तू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद जाहदीक चौधरी साहब आप सबक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के और सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार के उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमजद चौधरी साहब आप अपोजिशन लीडर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन है, के, हैं केंस एजेंट एसोसिएशन के उनके साथ मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब आप सीनियर चार्टर अकाउंटेंट हैं और माहिर टैक्स अमूर हैं जाहिद जाहदीक चौधरी साहब आप हर साल पाकिस्तान टैक्स बार की प्रपोज़ल हुकूमत को देते हैं बजट के हवाले से इस दफ़ा क्या प्रपोजल हैं और क्या हालात वाक़ हैं जैसे कि आपके नाजर जानते हैं के बजट हर साल हकूमत पेश करती है और बुनियादी मकसद बजट का हकूत की वसूलियाँ और अखराजात की तरतीब बनाना होता है जो हमारे तरह के ममालिक हैं या जो एमरजिंगानमीज़ हैं यहाँ बजट की बड़ी अहमियत होती है बजट की सिग्निफिकेंस इस लिहाज से भी होती है कि बजट के जरिए ही आपने टैक्स लेजिस्लेशन करनी है बजट के जरिए ही ब्रॉडनिंग करनी है बजट के जरिए ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लॉस को लेके आना है बजट के ज़रिए ही पॉलिसी वाज होनी है तो हमारी जैसी जो हकूमती होती हैं यू बी साहब इनके पास आम तौर में पार्लियामेंट में टू थर्ड मेजारिटी नहीं होती ठीक है तो इनकी कोशिश होती है ये जो मनी बिल है ये आर्टिकल सेवेंटी थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है और ये स्पेशल लेजिस्लेशन है और इसकी खूबसूरती ये होती है कि ये सिर्फ नेशनल असम्बली में पेश किया जाता है और नेशनल असम्बली का इस्तेक है कि ये इसको पास कर लेती है ठीक है जो आम कानून होता है वो नेशनल असम्बली या सेनेट दोनों में किसी जगह पेश किया जा सकता है और दोनों हाउस से उसका पास होना ज़रूरी होता है जिस हाउस से औरिजिनेट होता है दूसरा हाउस अगर उसको पास नहीं करता तो वो वापस आ जाता है वहाँ और फिर अगर उस हाउस ने फिर दोबारा उसको पास किया और ये कन्फ्लिक्ट आया तो फिर स्पीकर साहब एक कॉमन सेशन बुला के दोनों हाउसेस का फिर उसको प्रोसीड करते हैं प्रेसिडेंट तक ले जाने के लिए ठीक है क्योंकि मनी बिल जो है ये एक स्पेशल लेजिस्लेशन है और ये आर्टिकल 73 के तहत सिर्फ नेशनल असेंबली में टेबल किया जाता है नेशनल असेंबली सेनेट में भी इसको टेबल करवाती है सेनेट से रेकमेंडेशन आती जी हैं जी जी। और वो रेकमेंडेशन सिर्फ Uh, जो है वो बाइंडिंग uh, नहीं होती अगर उसको उसकी परसुइंग इम्पॉर्टेंस होती है अगर उसको आप नेशनल असम्बली देखती है उनमें से कुछ इंडोर्स कर लेती है और कुछ इंडोर्स नहीं भी करती तो जो नेशनल असम्बली पास करती है वो सीधा प्रेजिडेंट के पास चला जाता, चला जाता है, है। तो गवर्नमेंट ने बड़े सारे जो लॉज होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो मनी बिल के नीचे से रख के इसको करवा लें जिस तरह हमने माजी में भी देखा कि बहुत से जो है वो मनी बिल आए और उसके बाद वो कोर्ट्स में भी गए जैसे वर्कर वेलफेयर फंड का मसला आया इनकम सपोर्ट लेवी का मसला आया सुपर टैक्स का मसला आया तो कई सारे लॉज जो हैं जो बजट का हिस्सा नहीं थे और बजट का हिस्सा बना लिए गए जो बजट पेश किया गया वो और जी, था जो बार, जी जो बाद में आया वो और था जी बजट आमतौर पे जो हम लोग समझते हैं कि शायद इसमें हमने सिर्फ अपने तहमीने और अखराजात की तफसल बयान करनी होती है एक्चुअली इसके साथ इसमें टैक्स कवानीन और जो आपके फिजिकल लॉज हैं उसकी तरामीम भी इसी के जरिए पास होनी होती है तो गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि हम कुछ जो हेल्पिंग स्टैचूज़ हैं फकल की ला के उनमें भी हम चेंजेस यहाँ करवा लें ठीक है तो इस लिहाज से मैं आप सेर्स कर रहा था कि इसकी अहमियत जो एमरजिंगानमीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा होती है अब जरा बात कर लेते हैं आपने प्रपोजल की बात की तो जो पाकिस्तान टैक्स बार से हमने हमारी कमेटी ने जो बजट कमेटी है उसने जो प्रपोजल भेजी हैं उसका मैं आपको हदोहाल पेश कर देता हूँ मुख्तसर क्योंकि बाकी स्पीकर हज़ार भी बैठे हुए उन्होंने अपना व्यू नाजरीन तक है हमने कोशिश की है कि हमारी प्रायोरिटी है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के ऊपर ठीक है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की जब मैं बात करता हूं तो इसमें हमने कोशिश की है ऐसी तजावीज पेश की जाए कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है इसका लोड कम हो जी जी नए टैक्स गुजार सिस्टम में आए ठीक है और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है इनका बोझ कम हो इसके साथ साथ जी जी। इंडस्ट्री के ऊपर इस वक्त टैक्सेस का बोझ बहुत ज्यादा है ठीक है उससे बोझ को कम करके रिफॉर्म्स की शक्ल में रैशनलाइज करके जो दूसरे सेक्टर है सोसाइटी के जैसे रिटेल होलसेल सर्विसेज उनकी भी जो टैक्स का बोझ थोड़ा सा ठीक है कन्वर्ट किया जाए इसके साथ, तो साथ टैक्स रेट कम करके या टैक्सेस की नहीं हम अभी ब्रॉडनिंग की बात कर रहे हैं जब हम टैक्स ब्रॉडनिंग की बात करते हैं तो टैक्स ब्रॉडनिंग से मुराद आप ये कहते हैं कि जो टैक्स का दायरा कार है उसमें सब लोग आए ठीक है इंडस्ट्री में जो आप कह रहे हैं ज्यादा है उसके टैक्स रेट जी, जी उसमें दो तरह से है एक तो विद होल्डिंग टैक्सेस का उनके ऊपर बहुत बोझ है ठीक है दूसरा आप अगर अपने जीडीपी में देखें ना तो जी के अंदर इंडस्ट्री की फैसल ख्वाजा साहब आपको एग्जैक्ट फिगर्स दे देंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट है इकोनॉमी के अंदर जो जो हमारे जीडीपी में इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन है इट इज लेस देन फोर्टी परसेंट ठीक है और जो आपका टोटल टैक्स बजट है उसमें इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट एटी परसेंट तो जिसकी जीडीपी में 40 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको टैक्स पे भी 40 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए ना आपने उस पर इजाफी बोझ डाला बोच हुआ है, है। टैक्सेशन से डाला हुआ है विद होल्डिंग के जरिए डाला हुआ आपने वो है आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस टैसेज फेड साइज उन्हीं के रॉ मटेरियल्स के ऊपर टैक्स हाई रेट के लगाए हुए हैं फिनिश गुड्स पे लगाए हुए हैं उन्हीं की सप्लाई मुझे समझ आ गया जी डी पी है तो चालीस फीसदी टैक्स चाहिए वो अस्सी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इस लिहाज से ये एक बैलेंस नहीं ठीक तीसरा रिटेल और होलसेल सेक्टर है इसका जीडीपी में 20 परसेंट तक का कंट्रीब्यूशन है लेकिन टैक्स साइड पे इनका सिर्फ दो या तीन फीसद कॉन्ट्रीब्यूशन है तो ये गैप है इस तरह सर्विस सेक्टर का है एग्रीकल्चर का 40 परसेंट है एग्रीकल्चर कुछ नहीं पे करती ठीक है तो अनफॉर्चुनेटली उसको भी किसी ना किसी तरह उनके वैल्यू एड को या उस सिस्टम में लाने की अशद जरूरत है टैक्स ना भी लगे तो उसे दायरा कार में लाने की अशद जरूरत है अच्छा जब हम ब्रॉडनी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये टैक्स कल्चर भी इससे बनते हैं ठीक है टैक्स कल्चर बनेगा तो फिर ज्यादा लोग टैक्स में आएंगे तो आपकी कंप्लाइंस इफेक्टिव हो जाएगी जी जी दूसरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात की है जी जी

तब्दीली है ना ये तब्दीली फिर एक जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है या जो साजगार माहौल है उसको डिस्टर्ब करता है तजावीज़ बाद में लेता हूँ आपसे छोटा सा एक सवाल है ये जो वजारत तब्दील की गई है हुकूमत की मजबूरी है या वाकई हुकूमत चाहती है मुआशी इस्तेकाम लाने के लिए कोशिश करती है अयूबी साहब तीन तरह की प्लानिंग होती है एक शॉट टर्म प्लानिंग होती है एक मीडियम टर्म होती है एक लॉन्ग टर्म होती है हमारी गवर्नमेंट जो है अभी तक अपनी जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है उसके रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते ठीक है शॉर्ट टर्म प्लानिंग के रिजल्ट हासिल करने के लिए जो आप लैंडर देखिए ना जब भी आप पैसा लेते हैं तो उनके तो फैसले ड... ड्रास्टिक होते हैं ना सख्त फैसलों के लिए वो कहते हैं तो आप ड्रेस्टिक डिसीजंस के लिए जब टीम को लेके आते हैं वो कोशिश करते हैं लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते फिर आप बी टीम के पास जाते हैं फिर आप सी टीम के पास जाते हैं असद उमर से शुरू होने वाला सफर ये हफीज शेख के पास और हफीज शेख के, के बाद आप शौकत साहब के पास और ये चलता चला जा रहा है शार्ट जो शॉर्ट टर्म जो पॉलिसियाँ उन पर अमल पैरा नहीं हो शॉर्ट टर्म के रिजल्ट्स जो आने हैं ना वो हम अचीव नहीं कर पा रहे इसलिए हम चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर कोई ऐसी टीम मिल जाए जो कम से कम स्टेबिलिटी की तरफ ले आए तो, तो मीडियम टर्म की तरफ चले जी जी जो भी टीम अपनी प्लान गवर्नमेंट को सबमिट करती है वो उस पर पूरा नहीं उतर पा रही चौसा मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ चौधरी अमजद साहब ये बताइएगा क्योंकि तीन साल हुकूमत को हो गए हुकूमत ने जिस तरह चौसा ने कहा वजारतें भी तब्दील की तीन सालों में टैक्सेज की रेट उन्होंने कुछ खास नहीं बढ़ाए कोई छापे नहीं कोई बैंक अटैच नहीं किए गए ताजिर बरादरी तो खुश होना चाहिए आप क्या समझते हैं देखिए जी ताजर बरदरी खुश तब होती है जब उनको तहफ़ दिया जाए जी जी अगर टैक्स देने वाले को ये कहा जाए कि तुम चोर हो और साबित ही करते रहो कि तुम चोर नहीं हो तो वो कभी खुश नहीं होगा जी जी यहाँ पे जो हुकूमत है इसके पास वी कोई नहीं है इनको कुछ पता नहीं है करना क्या है आने से पहले था कि हमारे पास दो सौ बंदों की टीम है टेक्नोक्रेट्स मौजूद हैं आए एक बंदा भी नहीं निकला और रोज चेंज ठीक है ना जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि जी चार फ्रांस मिनिस्टर बदल चुके हैं जी जी एफ बी आर चेयरमैन बदल चुके हैं हर जगह पे चेंज चेंज टोपी इधर से उठाते इधर रख देते हैं इधर से उठाते इधर रख देते हैं जब आप किसी बात पे स्टैंड नहीं करेंगे अपना कोई वादा पूरा नहीं करेंगे तो बिजनेसमैन कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ठीक है अब इन्होंने एक कहा कि जी हम आप कंस्ट्रक्शन में आए आपको नहीं पूछा जाएगा लेकिन मेरे इलम के मुताबिक अब उनको भी कुंडियां डालनी शुरू कर दी अच्छा जब आप हर शोबे को टाइट करेंगे तो लोग टैक्स नहीं देंगे कोशिश करेंगे कि साइड से होकर निकल जाए जो सब वैसे जितना वो कर्ज लिया हुआ उसके सूद की अदायगियाँ भी हैं हुकूमत ने मुल्क भी चलाना है फिर वो क्या करे हुकूमत के पास और ऑप्शन क्या है जब ताजर बरदरी जब टैक्स नहीं देती किस नातमी टैक्स देने है? के लिए तैयार है उसको तहफुज तो दें देखें ना ताजर बरदरी को तहफ़ नहीं देखें आप जब तक जो स्टेक होल्डर है उससे बैठ के मीटिंग नहीं करेंगे जी जी। उससे तजावीज नहीं लेंगे उतनी देर तक आप किसी कानून वो कानून जो ताजर को चाहिए वो कभी नहीं आएगा जमीन हकायक को देखते हुए अगर कानून बनाया जाए तो वो जी जी उसमें देखिए ताजर, दे ताजर आपसे चाहता क्या है कि जी मैं जो रिटर्न दे रहा हूं आप मान लीजिए बिल्कुल ठीक है ठीक है आप उसको ये गारंटी कर दें कि जी आज जो आप रिटर्न देंगे दस साल तक आपको नहीं पूछा जाएगा इसको दोबारा नहीं छेड़ेंगे हम ठीक है आप देखें जो लाख दे रहा है पांच ना देगा तो मुझे पकड़ना वो हफ जाता है ठीक है आप जो खौफ फैला हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से हुकूमत की तरफ से नहीं डिपार्टमेंट की तरफ से उससे नाले हैं आपके ताजर बरादरी देखो जी ताजर बरादरी छोड़े आपकी ब्यूरो नाला है जी जी। किसी जगह पे नैब का रोब है किसी जगह पे किसी एफ आई ए का रोब है किसी देखिए इदारों को जो खौफ है उसकी वजह से भी वो जो ताज है अभी तक तीन साल में ये फैसला नहीं कर सके हमने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं फैसला इकबाल ख्वाह साहब जैसा हाँ चौ साहब कह रहे थे पार्लियामेंट में जो तादाद कम होती है हुकूमत की अपनी मर्जी के वो फैसले या शॉर्ट टर्म पॉलिसियाँ या लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ नहीं बना सकती आप क्या समझते हैं ये तीन साल में हुकूमत कोई हुकूमत आवाम को डिलीवर नहीं कर पाई क्या वजूहत है देखें असल साहब सबसे पहली बात जो मैं आपको इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगा बहुत सारे हमने प्रोग्राम इस चीज़ पे किए हमारे पास पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी कोई नहीं है सबसे पहली बात ये हम लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म जो मर्जी पॉलिसी बना लें पॉलिसी मेकर को ये पता ही नहीं होता कि वो ये पॉलिसी क्यों बना रहा है इसके रिप्रिकाशन्स क्या होंगे और इसका बैक क्या होगा पाकिस्तान में आज तक जितने भी टैक्स मयस लिए गए मैं 2010 से लेकर 2020 तक सारी गवर्नमेंट्स की बात करूंगा, मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा। पोस्ट मुशरफ़ पीरियड की बात करूंगा उनमें हमारा फोकस टैक्स कलेक्शन रहा है टैक्स निज़ाम नहीं था। ठीक है सिर्फ टैक्स कलेक्शन करने की कोशिश की है हमने इम्पोर्ट को एक टूल बनाया कि जी इसे प्रजर्मटिव लगा दो साढ़े पाँच परसेंट इम्पोर्ट को राइज कर दो और वहाँ से टैक्स कलेक्ट करो और एफ बी आर अपना जो है ना वो बजट पूरा कर ले ठीक है विदाउट थिंकिंग अबाउट कि इंपोर्ट के इंक्रीजिंग जो फिगर्स होंगे उसका हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या अफेक्ट आएगा हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम है इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगी हमारा डॉलर की क्या पोजीशन होगी हमारे कर्जों की क्या पोजीशन होगी सब ये तो दो हज़ार तेरह से तक तक देखिए आप जब बात करते ना ईजी गोइंग की आप हर उस चीज़ पर टैक्स लगाते हैं जहाँ से सिर्फ कुलेक्शन आ जाए ठीक है आप उसको ये नहीं देखते प्लानिंग में कि आप ठीक करें या ये गलत कर रहे हैं। ठीक है अब आप देखिए आपने प्रिजर्मटिव टैक्स लगाया आपने फिर उसको 2018 में आगे मिनिमम टैक्स कर दिया पट्ठाई बिठा दिया सबका ठीक है आपने इम्पोर्टर को कहा कि ये मिनिमम टैक्स है आपने कहा सप्लायर को कहा यह मिनिमम टैक्स है आपने कंट्रैक्टर को कहा यह मिनिमम टैक्स है ठीक है अब तीन तरह के टैक्स पाकिस्तान में राइज कर दिए आपने तीन तरह के एक प्रजम्टिव एक मिनिमम और एक एडजस्टेबल ठीक है है। अब यानी कि जो लॉ मेकर है वो खुद कंफर्म नहीं है कि अगर मैं मिनिमम को एडजस्टेबल कर दूंगा जी जी तो कहीं मेरा बजट ही ना कम हो जाए मेरी कलेक्शन ही ना कम हो जाए उनके पास कोई प्लानिंग कोई थिंकिंग नहीं है कि हमने किस तरफ जाना है ठीक है यार पॉलिसी मीडियम हो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए ठीक है? है अब बात आ गई रेवेन्यू कलेक्शन की हमने बात आज तक जो भी किया इन चौदह सालों में या तेरह सालों में हमने सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन पे गौर किया ना हमने बिजनेस को देखा ना बिजनेस मैन को देखा ना हमने अपनी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देखा ना अपने इकोनॉमिक रियलिटीज़ को देखा कि हमारी इकोनॉमिक रियलिटी है क्या हमारे मुल्क में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और हम उसको कैसे उस पोटेंशियल को लेके चल सकते हैं साहब पाकिस्तान में कितना टैक्स खिला मौजूद है इस इसमें गुफ्तु करेंगे आज नहीं छोटा सा मशील ब्रेक हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजरीन जी फैसल साहब आप कह रहे थे टैक्स खिलाफ मौजूद है लेकिन मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूं कि एक बिजनेस मैन ने प्लान करना होता है अपने पाँच साल ठीक है ठीक है।, है उसमें टैक्स एक वाइटल एस्पेक्ट है टैक्स एक वाइटल एस्पेक्ट है जिसको उसने देखना होता है क्योंकि पाकिस्तान में टैक्सेशन का हाइस्ट स्लैब थर्टी तक जाता है ठीक है अब एक आदमी ने जब बिजनेस शुरू किया तो उसे बताया गया इंपोर्टर को कि यार तेरा टैक्स प्रिजेंवटिव है साढ़े पाँच परसेंट ठीक है, है। उसने अपनी एक टैक्स प्लानिंग मुरतब की पाँच साल की उसके मुताबिक उन्होंने अपनी इम्पोर्ट पॉलिसी बनाई बिजनेस की प्रोजेक्शंस बनाई सारा कुछ फाइनलाइज किया डाउन द दा स्ट्रीम दो साल बाद उसको हमने मिनिमम टैक्स कर दिया उसकी वो सारी प्रोजेक्शन उसकी वो सारी प्लानिंग उसकी वो सारी फिजिबिलिटीज़ एकदम से चेंज होगी ये जो मेरा भाई कह रहा है ना कि बिजनेसमैन को तहफ़ दो या बिजनेसमैन को ये, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी दो कि जो वो कारोबार करेगा उसमें से उसे दो पैसे बचेंगे ना कि वो अपने पल्ले से कुछ डाल के घर जा रहा होगा ठीक है एफ बी आर की पॉलिसी लोगों को निचोड़ना नहीं है एफ बी आर की पॉलिसी ये है कि टैक्स को ब्रॉडर बेस पर लेके आए लोगों के साथ अपना जो हो गया ना ट्रस्ट डेफिसिट उसको दूर करें नंबर दो नंबर तीन पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रखें दस साल के लिए अगर आपने एक टैक्स इम्पोज कर दिया है एक फॉर्मेट में कि ये नॉर्मल लॉ है जी जी। तो अगले दस साल तक वो नॉर्मल रहेगा जी जी। ये नहीं है कि अगर फैसल इकबाल ख्वाजा चेयरमैन बनता है जाहिद अतीक चेयरमैन बनता है उसको सोए पड़े खाब आ जाता है नहीं मिनिमम कर दो जी, जी जी। तो अगले दिन आगे, आगे आप एक नया सर्कुलर कर देंगे ये मिनिमम खास तबका आ गया तो उसके लिए अब मैं आपको मजे की बात बताऊँ मैं कुछ पाकिस्तान के स्टील ज्वाइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ बहुत बड़े बड़े केसेस हैं मेरे पास ठीक है जी। मैं एक के केस की ऑडिट 177 में दलाइल दे रहा था जी। तो मुझे एक मेरे क्लाइंट ने टोका उसने कहा सर ये दलाइल मत दें मैंने कहा वो क्यों कहता है आप ये जो दलाइल दे रहे हैं ना इसी को लेके उन्होंने अगले फिनांस एक्ट में ये अमेंडमेंट करा के मुझे टैक्स लगा देना जहां पे ये बेस हो टैक्स लगाने की जी जी। एक वकील ने दलाईल दिए हैं कि आपके टैक्सेशन सिस्टम की वजह से ये ये सेक्शन मेरे अट्रैक्ट नहीं होता और ये टैक्स नहीं लगता जी जी और नेक्स्ट ईयर बजट में वही मेरे दलाइल को बेस करके वो उसको टैक्स नेट में ले आएंगे तो वहाँ पे आप मुझे बताएं बिजनेसमैन कैसे ग्रो करेगा या इकोनॉमी कैसे करेगी ज़्यादा ठीक है जिस तरह फैसल साहब कह रहे हैं अहतमान का जो फुकदान जाना पैदा किया उसको दूर करना चाहिए दस साल के लिए प्लानिंग होनी चाहिए जो टैक्स निज़ाम में जो प्लानिंग जो वो बनाता है बिजनस मैन उसको किस तरह हम ले ले जा सकते हैं इसके लिए जो बुनियादी नुक़ाम बजट प्रपोजल्स में पाकिस्तान टैक्स बाहर से रखा है जी जी उसमें हमने कंडेम किया है ऑर्डीनेंस के जीम को ठीक है ये ये जितनी भी शॉर्टकट्स होती हैं ये ऑर्डिनेंस के जरिए आती हैं प्रॉपर लेजिस्लेशन अगर असम्बली में जाती है वहाँ पे बिजनेसमैन के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं बात होती है हम अपनी बात अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा देते हैं लोग रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उस पर डिबेट करते हैं तो कानून करवाना मुश्किल हो जाता है जी जी। इस वक्त एफ बी आर जिस एरा से गुजर रही है जी मैं वो उसी उसी की तरफ आपका इशारा दे रहा हूँ कि आपने Uh, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो एग्जामेशन को विड्रा कर लिया ठीक है अब इस तरह की जब को ऑल ऑफ सडन आप विद्रा ऑर्डिनेंस के जरिए करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपने स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं की जी स्टेक होल्डर से मुराद वो लोग हैं जिनको वो मराद दी गई थी, थी लाख लोगों को जी जी नहीं कर रहा कि अब वो वो भी वो भी एक पहलू है देखें आई का ना आपको पूरा अगर आपने आई की बात की ना मैं आईटी की बात से पहले आपकी बात को बताऊं और मुकम्मल करूं अपनी बात को कि ऑर्डिनेंस के, के जरिए जो तरामीम की जाती हैं या जो चीज़ें लाई जाती हैं इसका उसको एक्चुअली पार्लियामेंट की सपोर्ट हासिल नहीं होती और उसका मकसद ये होता है कि आपने स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं किया आपके पास इतफ़ाक़ राय नहीं है इस कानून को लाने के लिए अब मैं एग्जाम्शन जब विड्रॉ करने जाता हूँ ऑर्डिनेंस से तो वो सारा स्ट्रक्चर और सारा कॉन्फिडेंस और सारा इन्वामेंट डिस्टर्ब हो जाता है जिन लोगों ने एक आपकी एग्जामिशन को बेस बना के अपनी सरमायाकारी की होती है उसको अगर आप उस, की जी उस, उसको जब आ, उसमें टैक्स कंपोनेंट आ जाता है तो फिर वो सारी प्लानिंग बिजनेस की डिस्टर्ब हो जाती है गवर्नमेंट के लिए एक मामूली सी बात है कि आईएमएफ के कहने पे 200 अरब रुपए की मराद खत्म कर दी जी जी। लेकिन वो दो अरब रुपए की जो एक्जन विद्रॉ की जाती है वो बिजनेसमैन के प्रॉफिट होते हैं वो बिजनेसमैन की जो सीड्स होती है उसका कैपिटल आप अपनी पॉकेट में डाल देते हैं जब उसने बिजनेस बनाते वक्त अगर टैक्स को अपने एक्सपेंस का हिस्सा ही नहीं बनाया हुआ अपनी इनकम के ऊपर टैक्सेशन को गिना ही नहीं हुआ अब उसको जब टैक्स देना पड़ेगा तो वो तो उसका सारा बैलेंस शीट खराब हो गया उसका अकाउंट सारा खराब हो गया इसके साथ साथ एक हमने जो प्रपोज़ल रखी वो जैसे ख्वाजा साहब ने भी आपको बताया कि पॉलिसीज़ का तसलस बहुत ज़रूरी है ऑर्डीनेंस के ज़रिए टैक्स कवानीन की तरमीम काबिल कबूल बिल्कुल नहीं, नहीं है जीजी। और काबिल ना होनी चाहिए न काबिल कबूल है और तीसरा इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आप ऑटोमेशन को लेके आए ठीक है और आपने जो विद होल्डिंग टैक्सेस का बोझ डाला हुआ है इसको कम करें और ऑटोमेशन के अंदर जो आपके पास पहले इन्फॉमेशन मौजूद है उसको इस्तेमाल करें ठीक है और जो बिजनेस में अब इसको इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में करें कि लोगों को हरासमेंट नहीं करना बल्कि उनको सिस्टम के अंदर लेके आना है और अगर आप कहते हैं कि लोग बैक विंडो यूज़ करते हैं एक आदमी 10 परसेंट दे के प्राइस बॉन्ड खरीद देते हैं आप 10 परसेंट की एक विंडो रखो दस परसेंट टैक्स दे के अपने पैसे वाइट कर लें जी जी। आपने बिजनेसमैन के लिए आसानियाँ पैदा करें अगर छोटे टैक्स रेट्स इंट्रोड्यूस कराएं जो छोटी टैक्स स्लैब्स इंटरस यूज तो करेंगे तो और इतनी बड़ी टैक्स स्लैब्स हैं है। एक तो हमारी प्रपोजल ये किस्टम जी टैक्स की शराह को कम करना इंतहा ज़रूरी हो चुका है अगर आप टैक्स की शराह को कम नहीं करेंगे तो लोग अपने असल प्रॉफिट्स नहीं दिखा सकते अपने असल प्रॉफिट्स नहीं दिखाएंगे तो असल टर्न नहीं दिखाएंगे असल टर्न नहीं दिखाएंगे तो असल बैंक अकाउंट्स नहीं दिखा सकते आपकी सारी खराबी शुरू होती है आपके टैक्स रेट से आप सेल टैक्स की साइड पर आ जाए या आप इनकम टैक्स साइड पर आ जाए सेल टैक्स भी सिंगल डिजिट में आ जाए कई कई एडजस्टमेंट्स को कम कर लें आज भी FBR से पूछे तो वो कहते हैं जी हमने सत्रह परसेंट में से जो नेट खजाने में मिला है वो चार परसेंट है जी जी। बाकी एडजस्टमेंटों में वापस चला गया तो आप एडजस्टमेंट्स को कम जी कर देंगे जी। जी। वो वो है। है कोई सर्विस सेक्टर में है तो पंजाब रेवेन्यू में बिजनेस करा है पंजाब में सिंध में के पी के में बलोचिस्तान में इस्लामाबाद में तो उसको पांच रिटर्न फाइल करनी पड़ती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नीचे लेकिन ये बात दो हजार तेरह से चल रही है अगर मुझे याद हो ख्वाजा साहब मुझे सेकेंड करेंगे तो पाकिस्तान टैक्स

पाकिस्तान टैक्स बार का ट्रेड बॉडीज का चैम्बर्स की मेहनत होती है हमारे सारे आइडियाज होते हैं जिनको ये क्रेडिट अपनी तरफ ले लेते हैं ये दो से रिक्वेस्ट गुजारी हुई है जो आज दो तक अभी बातचीत की हद तक है आगे चलते हैं आगे सर जो हमारी कोशिश है कि सेल टैक्स की शरह को कम किया जाए इनकम टैक्स के जो स्लैब है इनको कम किया जाए ब्रॉडनिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो नए आने वाले टैक्स गुजारों को इंसेंटिव दिया जाए बजाय के लोग टी टी के ज़रिए या प्राइस बॉन्डर के जरिए अपना पैसा वाइट करते हैं उनको आप मुनासिब शरह पर टैक्स ऑफर करें पंद्रह तक का मैक्सिमम स्लैब होना चाहिए लोग आ जाएंगे ये वो शरह है और ये जो लोग आएँ इनको आप जो है वेलकमिंग इन्वायरमेंट दें तीन साल तक इनका ऑडिट नहीं होना देखे। चाहिए देखे। और आप सोसाइटी देखें जब आप कहते हैं कि हमारी एक मतवाजी सोसाइटी चलती है हमारी इकॉनमी चल रही है तो उसको जो आपकी जो मतवाजी इकॉनमी है उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है तो उसके लिए लोगों को इंसेंटिव तो देना पड़ेगा जो जिसकी वेल्थ है वो उसको डिक्लेयर करें और जो पुरानी वेल्थ है उसके लिए भी रिड्यूस रेट होना चाहिए कि लोग अपने एक्मलेटेड पुराने प्रॉफिट्स को टैक्स ऑफर करें उनको रिड्यूस रेट टेन परसेंट पे टैक्सेशन करके अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर लें पाँच साल के एसेट्स को डिक्लेयर कर लें दस साल के एसेट्स को डिक्लेयर कर लें और ये कोई स्कीम नहीं है ये कोई एमस्ट्री नहीं है ये आपका एक एक रीजनेबल टैक्स पहले टैक्स मिल मिलकर आपको जी, जी आप आप जी, आप, आप पाँच साल की एक आप कंसोलिडेटेड रिटर्न ले लें अगर चौधरी अमजद साहब अपनी पाँच साल की आपको सात के रिटर्न देना चाहते हैं आप उनसे ले लें दस परसेंट का टैक्स ऑफर कर दें कंसॉलीडेट रिटर्न मांग लें कोई दस साल की देना चाहता है दस साल की दे दें ये आइडियाज हैं हमारे जी जी आप लोगों के लिए रास्तों को बंद ना करें आप लोगों के लिए विंडो बंद नहीं करें आप आप जी करेंड लेकिन इनकम से ही ना सर इनकम हो जाती है यहाँ सासा बन जाते हैं आप कंसोलिडेट पांच साल की दस साल की एसेट्स की रिटर्न मांग लें उसका टैक्स हो चुका है मशरफ दौर में जिसको हम अमृत का दौर कहते हैं उसमें ये तजुर्बा हो भी चुका है देखिए यूपी यूपी साहब साहब बहुत ज्यादा गए थे टैक्स नेट भी गा जैसे देखें बिजनेसमैन आपसे ट्रस्ट मांगते हैं तो बिजनेसमैन का एक राइट है जी जी चूँकि देखें अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ये के हमारे मुल्क में लोग टैक्स नहीं देते तो ये गलत बात है जी जी मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आपने हर ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाया हुआ है मोबाइल फोनों पे आपने टैक्स लगाया हुआ है गाड़ियों के टोकन पे आपने टैक्स लगाया हुआ है, प्रॉपर्टी की जायदाद की पे, बैंक पे, पे पैसे निकालने जमा कराने पे के, फीसों के पैसे लगा हुआ है एक्सपेंडिचर पर आपकी कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है तो आप जो एक्सपेंस कर टैक्स आपने लगाया हुआ है अगर ये लोग अपना टैक्स गोशवारा फाइल करके अपनी रियल इनकम और ये जो टैक्स कटोती है इसकी सील गोशुारे में जमा करें मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट को हज़ारों अरब रुपए वापस देने पड़ते हैं जो इकट्ठे क्योंकि लोगों को अधराक नहीं है कि आपने इतने ज़्यादा टैक्सीज हैं वो उस सारे टैक्सीज को कंसोलिडेट करें एक सैलरी पर्सन जिसकी इनकम पाँच छः लाख रुपये साल की छह लाख उस पर कुछ टैक्स नहीं लगता उसके भी आप मोबाइल फोन देख ले छोटी सी गाड़ी होगी हाँ हो कोई, जीज़, कोई, जीज़, कोई शक नहीं। मतलब वो भी आप तो, दे तो, दे तो पता चलेगा वो, वो पांच दस हजार रुपए अपनी पॉकेट से इनकम टैक्स आपके खजाने में डाल दिया जिसकी आपने क्रेडिट ले लिया है अगर एक टैक्स पेयर को यह एहसास हो जाए ना मैं कितना अपना नुकसान कर रहा हूँ मुझे एक रिटर्न ही भरनी है तो वो साल में हुकूमत को देने के बजाय लेने का हकदार होगा आप क्या समझते हैं कौन कौन से टैक्स खिलाए हैं जिस चौसा बता रहे थे फैसल साहब बता रहे थे अगर इनको हुकूमत पूर करे तो आसानियाँ पैदा हो सकती हैं देखिए मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कार इंपोर्ट होती है जी जी उस सिर्फ पैसेंजर को अलाउ है जो बाहर रहता हो जी जी पहले उसका पासपोर्ट अब सबको पता है कि पासपोर्ट बिकते हैं वो जी जी वो पासपोर्ट पाँच हज़ार दस हज़ार का बिकता था ठीक है अब वही पासपोर्ट पच्चीस से तीस लाख रुपए का बिक रहा है वो पैसेंजर का पैसेंजर का क्योंकि इन्होंने कानून ऐसा बना दिया कि उसके अकाउंट में टी टी आएगी वो अपने आप को डिक्लेयर करेगा अरे भाई जो टैक्स देता है जिसके पास इनकम टैक्स नंबर है जी उसको अलाउ करें और फिक्स कर दें कि जी ये दस लाख रुपया ये जमा कराएगा वो जी जी गाड़ी मोड करोड़ कर ले जी जी लेकिन ना एक बाहर बंदा बैठा है उसको पच्चीस लाख तीस लाख रुपया पासपोर्ट का दे रहे हो जी जी उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि लोगों ने एक पासपोर्ट पे चार चार गाड़ियां मंगवा लिया जी जी और खजाने में कुछ नहीं किया भी लोगों को पता चल गए बात यह है कि मेरी वही बात है कि जो मर्जी ये बना लें जी जब तक तहफ्ज नहीं देंगे ताजर को इम्पोर्टर को इंडस्ट्रीज को उतनी देर तक ये टैक्स निजाम इसी तरह चलेगा नहीं क्या, आप क्या चाहते हैं कौन से तहफ़ मिले हुआ उनको जो वो कह रहे हैं उनकी बात मान ली जाए खोले जाए किसी के लेकिन की बात की अभी आपने जी जी उसके दौर में ये हुआ और आपने देखा कि तीन साढ़े तीन सौ लेके एक हजार तक की टैक्स चले गई जी जी बड़ी थी टैक्स रिटर्न क्यों छब्बीस लाख तक गोशोरे चले गए तो इस वजह से कि ये थे के उसने उस दौर में जो ताजर था उसको तहफ दिया गया था आज आप दे दे, हमें इस देख में तो ये ही नहीं पता चलता कि रात को क्या और सुबह साहब वजी अजम साहब कहते हैं आठ हजार अरब रुपये हमारा हुकूमत का अखरजा आता है मुलक के ताजर बरदरी चार हज़ार अरब तो दे ही रही है चार हजार अरब और ताजर बरदरी हुकूमत के साथ बैठ देने के लिए तैयार हो जाए तो गैर मुल्की कर्जों से भी जान छूट सकती है ये डबल देने को तैयार है ताजर बशर्ते बशरते उनसे को बैठे तो सही उनसे तो बैठते ही कोई नहीं उनसे तो पूछता ही कोई नहीं वैसे चौह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मैनोफेस्टो है ना उसमें सत्रह बार उन्होंने लिखा है जब अगर हुकूमत उनकी आई तो वो एफ बी आर में रिफॉर्म्स लेकर आए दफा सत्रह दफा बार वजारत तब्दील हो चुकी हैं ये तो है ना जो साहब जैसा हम जैसा कह रहे हैं जो वो दूर होने चाहिए तहफ मिलना चाहिए बिजनेस मैन को किस तरह मिलना चाहिए और जो टैक्स जो खला है वो किस तरह पूरी हो सकती है देखें सबसे पहली बात तो चौधरी ने बहुत बात की हम प्राइस बॉन्ड या ये टीटिया क्यों खरीदते हैं हमारे जी, 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 पास पार्ट फोर है सेकंड शेड्यूल का टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ठीक है हमें किसी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है नाजरीन यहाँ छोटा सा ब्रेक वेलकम बैक नाजरीन जी फैसल साहब हमने एक क्लास डालनी है इसमें कि प्रोविजन एक सौ ग्यारह शेल नॉट अप्लाई टू ए एसेंट डिक्लेयरिंग एसेट्स एंड पेइंग सो एंड सो टैक्सेस के वो इतना टैक्स दे देगा तो वहाँ से एक नया आकाश हो जाएगा ठीक है कि वो एक कारोबार में अपना पैसा इनक्रीज करना चाहता है आपने भी बात की कि ये चार हजार से आठ हजार अरब कैसे होगा देखें एग्जिस्टिंग बंदों में तो अब सांस नहीं रहा जी बात बार बार कितना नचोड़ लोगे ठीक है आपको बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा नए टैक्स पेयर लेके आने पड़ेंगे और उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी उसकी प्लानिंग के लिए सबसे पहला पॉस्टूलेट ये है कि जो गाला धन पूरी इकोनॉमी में फिर रहा है उसको किसी तरह वाइट करके जो उस, दस पंद्रह परसेंट ले ले, ले ले आप पाँच परसेंट पे कर लें यार भाई एक दफा उनको आने तो जी ना टैक्स तो फिर आपने हर साल लेना है आप एक फिगर प्राइस बॉन्ड से कम कोट कर दें कि जी पाँच परसेंट टैक्स दें और एक सिंपल स्टेटमेंट दें जैसे 143 बी होती थी उस तरह की एक स्टेटमेंट आईआरएस में डाल दें जो ऑल टाइम्स अवेलेबल हो कि आपने 5 परसेंट टैक्स दिया और अपना कैपिटल वाइट कर लिया अब वो पैसे किसी कारोबार में ही लगेंगे ना बात है वो एक्टिविटी में आएंगे से एक बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होगी जी जी उस बिजनेस एक्टिविटी पे फिर टैक्सेशन जनरेट होगी एक एडिशनल नया टैक्स पेयर जनरेट होगा आपको अपनी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की जो पॉलिसीज़ और मईस हैं उन पे बैठ के सोचना पड़ेगा अगर आप चार हज़ार को आठ हज़ार अरब करना चाहते हो देखो है। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जरखेज़ मुल्क है जिसके अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़कात और खैरात दी जाती है, ठीक है। ठीक है ना अब वो पैसे आखिर ब्लैक मनी से या कहीं से आते है ना जो कि जक़ात के पैसे घरों में पड़े हुए हैं उसी में से जकात दी जाती है ना और खरात दी की जाती है ठीक है मैं इस चीज़ से चले सहमत नहीं या मुतफिक नहीं हूँ लेकिन उस चीज़ को बिजनेस या इकोनॉमी के पहिए में उस सरमाए को आना चाहिए उसको लाने के लिए हमें प्लानिंग डिवाइस करनी है सही है। हम इस्ट्रीज थ्रो करते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम उसी इनस्ट्री की प्रॉप शुरू कर देते हैं अभी 2018 की जो इनस्ट्रियाँ आई थी उनकी प्रॉप आजकल हम 2020 में फेस कर रहे हैं मैं ये बहुत समझदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूँ क्योंकि मैं एज ए लॉयर बहुत सारे केसेस फेस कर रहा हूँ ठीक है हर बात फिर इतने वो शरायत पूरी करनी कई जगह मुझे टैक्स अफसर की नदानी भुगतनी पड़ी है जी, जी वो कहते जी मैं नोटिस ही इशू किया तो गोली तो नहीं मारी ना तो जवाब दे दो ठीक है यार जब एक प्रोविजन लिख दी गई कि देर विल बी नो प्रॉप वट्स एवर तो फिर मीन्स देर वुड बी नो प्रॉप अब बात ये है पहली चीज़ ये है कि हमें अपना टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसीज़ और मैयर्स हैं उसके लिए हमें लोकल कंसल्टेंट्स लोकल मैं वर्ड यूज़ कर रहा लोकल कंसल्टेंट्स फ्राम एडवोकेट एंड चार्ट अकाउंटेंट्स इनकी एक कमेटी बनानी चाहिए एफ बी आर में ये दम नहीं है ये वो अफसर हैं जो मैं बता रहा हूँ कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है कोई आर्किटेक्ट है जिन्होंने सी एस एस किया और आगे यहाँ पर छः महीने की ट्रेनिंग ले के एफ बी आर में बैठ के मैंने आपके इसी प्रोग्राम से इसकी मिसाल ऐसे दी थी कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मुझे छः महीने की ट्रेनिंग दी जाए शेख शेखजाज हॉस्पिटल तो में बाद में मैं सर्जन बन जाऊँ जी जी, मैं लोगों के पेट काटने शुरू कर दूं के जी मैं सर्जन भी बन गया हूँ ये वो सी एस एस अफसर हैं जे दे हैव नो प्रॉपर ट्रेनिंग मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ प्रॉपर ट्रेनिंग एज टैक्स कलेक्टर्स जी जी देखें एक वकील एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ए सी ए में उसकी एक रेगरेस्ट ट्रेनिंग होती है और वो फिर उसको एक डिग्री मिलती है मैंने आपको कहा था और शबर जदरी साहब ने जब वो चेयरमैन बने थे अपने इंटरव्यू में मेरी इस बात को सेकंड किया था कि हमें एफ बी आर का ढांचा बदलना पड़े जी जी यहाँ पर लीगल साइड पर वकील बैठे हों ऑडिट साइड पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ए में बैठे हों यहाँ पर एस की तरह अफसरों का एक मिक्स बदलना पड़ेगा कल्चर बदलना पड़ेगा जी जी चले आप नहीं कर सकते आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए एक कमेटी एफ बी में बना दें जिसमें फेमस कंसल्टेंट्स को लें जो वॉल्टियर करें और इन्हें मयर्स बताएं इन द मीन जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसकी हरासमेंट बंद की जाए उसको काम करने दिया जाए ऑडिट 10 से 15 परसेंट सेलेक्ट किया जाए अभी मैंने एक नई प्रपोजल भेजी आप भी भेज रहे हैं मैंने इन्हें कहा जहां पे 1225 सौ ए हो गया है ना एक पे सतर नहीं होना चाहिए सही है, और है, जहाँ 177 हो गया वहां पे 1225 सौ बाईस नहीं A होना चाहिए वजह क्या है ये क्या कहते हैं 1225 सौ में एज मैनी टाइम्स ये क्या बेउुदगी है अगर एक एडिशनल कमिश्नर ने एक दफा मॉडिफिकेशन कर ली है तो वो पूरी मॉडिफिकेशन एक ही दफा करे जी जी बार 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 बार, बार टैक्स पेयर को मारने का क्या मकसद है जी जी। और अगर एक एडिशनल कमिश्नर ने मॉडिफिकेशन कर ली है तो फिर उसका असिस्टेंट कमिश्नर मेरा ऑडिट कैसे कर सकता है सही कह रहे हैं। उसका असिस्टेंट कमिश्नर पर... उससे ज्यादा अकलमंद है अगर उसने एक सौ ए कर ली है वहां पे कानून में आ जाना चाहिए एक सौ ए में लिखा होना चाहिए वेयर एवर

एक दफा जो जिसको फैंटी लगानी लगा ले जी जी अब ना उसका 177 होगा ना 122 पांच ये तीन साल तक उसका ऑर्डर दोबारा नहीं होगा नहीं तीन साल उस साल का नहीं होगा वो उसी साल ਨੂੰ दोबारा 177 ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ मैं ये गुनाह कर रहा हूं फिर टैक्स ईयर 2015 है जी उसका जी मेरा एक सौ बाईस पांच उसी को एक सौ सतर में भी सिलेक्ट कर लेंगे जी जी और क्या जुलम है जुलम है जी 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 वो पॉइंट एक सौ बाईस पांच में जो कवर नहीं हुआ वो अब हमें एक सौ सतर में देखेंगे ये का सूल है यार वो आपकी जो बात है ना जो कलेक्शन वाली ये कलेक्शन तक ही महदूद है बीटीपी पे पी आज तक जा नहीं सके और जाना भी नहीं जा चाह रहे साहब टाइम कम है क्या आखिरी तस्वीर एक बात बड़ी जरूरी जो खाजा साहब ने कही और चौधरी यमि साहब ने पॉइंट आउट की जी हमारी जी। जी। ये बजट प्रपोजल का हिस्सा है पाकिस्तान टैक्स बार से ये जो चौधरी साहब था उसकी बात करते हैं ना एक्चुअली वो ये है कि आप ऑडिट करें जी जी आपने ऑडिट सेलेक्ट किया अगर किसी की किताबों में कोई खराबी नहीं निकली तो उसको बाइजर तरीके से बात करें आप मुझे एक ऑडिट प्रोसीडिंग दिखा दें किसी ऑफिसर की जिसने क्लोज की हो के के ये कह टैक्स पेयर के अफेयर बिल्कुल ठीक है जी जी असेसमेंट की जाती है आगे देखें असैसमेंट में टैक्स लग गया मेरा राइट है मैं अपील में गया हूँ मैकमे के कमिश्नर अपील ने फैक्ट्स देख के मेरे हक़ में फैसला कर दिया जी, जी। तो जो कंसर्न ऑफिसर है वो ट्रिब्यूनल में चला जाता है ये क्या जी मैं अगर अपील फाइनली करूँगा कल तो नैप का नोटिस मैं भुगतूंगा कि आपने क्यों इसको चैलेंज किया था ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट फोरम है वो भी मेरी फेवर में कर देता है दो अथॉरिटीज ने कन्फर्म कर दिया कि एक्शन गलत हुआ था अपील अब वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके फॉर द जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी कि जी मैं, जी 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 मैं चेयरमैन साहब को मैं ऑडिट पैरा वाले को मैं आपको जवाब कहाँ से दूंगा जी आपने क्यों नहीं चैलेंज किया था तो पहले इस में जी 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 इस, देखिए टैक्स एक असेसमेंट एक ओपिनियन था अगर मैं एज ए कंसल्टेंट वकील एक स्टेज पे केस नहीं एक्सप्लेन कर सका पहली अपील में एक्सप्लेन हो गया दूसरी में पॉइंट थ्रैश हो गया आप भी वहाँ थे मैं भी वहाँ था अब 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 डिपार्टमेंट उसको लेके जा रहा है लेके जा रहा है हाई कोर्ट से भी हो गया सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहा है इस पर वहाँ का पैसा लग रहा है जी जी ऑफिसर्स ड्यूटियों पे जा रहे हैं वकील जा रहे हैं लिटिगेशन का बोझ पर है एक तो ये ऑडिट के सिस्टम को न्यूट्रल बनाए अगर आपने ऑडिट करना है जहाँ ठीक है उसको बंद कर दें गैर जरूरी सेसमेंटें बंद कर दें विद होल्डिंग के टैक्सेस को कम कर दें टैक्स की शराह को कम कर लें शिनाख्ती कार्ड की शर्त को आप लेके आए सिर्फ लोगों को परेशान किया है आप मुझे बताइए एक साल में आपने एक आदमी भी रजिस्टर्ड किया है उस डाटे की बुनियाद पर ये जो आपने नेक्स्टर सी के अंदर लोगों से एक लाख से ज्यादा की खरीदारी पे शनाख्ती कार्ड लिए हमारी मालूम के मुताबिक एफ बी आर के पास जो साल का डाटा जमा हो गया है वो पांच करोड़ आई डी कार्ड है आप कंफर्म कर सकते हैं किसी एक कामे वाला से अब तक जो सेल टैक्स रिटर्नों में आई डी कार्ड रिपोर्ट हो गए दैट आर फिफ्टी बिलियन यानी कि पांच करोड़ शनाख्ती कार्ड का डाटा एफ बी आर के पोर्टल में चला गया है जो जो सेल टैक्स की खरीदो फरोहत के ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटी पे वो उन लोगों का है या किसी ने मिस यूज किया है बेनामी यूज हो गया है या वो तो फिर बाद के अगले इशूज है ना जो खुलने खुलाने हैं अब आप मुझे बताइए यार की कैपेसिटी है पांच, पांच करोड़ के लिए पीछे जाने की नहीं है बिल्कुल नहीं है। पांच करोड़ लोगों को नोटिस इशू करने की मजबूर किया जाता है कि वो जल्दी शिनाख्ती कार्ड डाले ऐसा कानून ही ना बनाए जिसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जिससे फायदा नहीं ले सकते फर्दर टैक्स को हमने खत्म करने की तजवीज दी है और इसके साथ साथ हमारी लास्ट जो मैं आपके प्रोग्राम में सबसे ज्यादा अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पूछे हमें ऐसी पॉलिसीज की जरूरत है जिससे हमारे मुल्क की ग्रोथ बढ़े ठीक है टैक्स जो है ये बाई प्रोडक्ट होता है ग्रोथ का ठीक है हमने एफ बी आर के कहने पर ऐसी पॉलिसीज नहीं लेके यानी जो मुल्क की ग्रोथ को रोके ठीक है अगर हम इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक प्रोस्पेरिस कंट्री बना के जो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कोविड का सीजन आप देख रहे हैं लोगों है। के, के भी चले गए सोचने का आप ऐसे कमानी लेके आए जिनसे ग्रोथ हो अब वो वक़्त नहीं आके आई एम एफ के प्रेशर में आके आप टैक्सीज का बोझ बढ़ाएं इस इकोनॉमी से और टैक्सीज का ब्रोझ इस तरह नहीं निकल सकता लोगों को वेल्थ क्रिएट करने दें इकोनॉमिक एक्टिविटी हो इकोनॉमिक ग्रोथ हो उसके अंदर से ऑटोमेटिक टैक्स बाहर आएगा यही एक हल है वे फॉरवर्ड आप टैक्सेस को बढ़ा के इस मुल्क को नहीं चला सकते ग्रोथ को बढ़ा के उसमें से टैक्स निकाल सकते निकाल सकते हैं जी साहब एक मिनट सर आपके पास देखिए जी मैं तो फिर वही भी आऊँगा कि जब तक हुकूमत जो पॉलिसी बनाती है उसको कंटिन्यूटी नहीं देती आप पॉलिसियों पॉलिसियों में, तसल, में तसलसल हो और उसके उ, उ, उसी तहत यहाँ बेहतरी आ सकती है फैसला साहब एक मिनट सर सर पॉलिसी शुड बी फॉर टैक्स ग्रोथ नॉट टैक्स कलेक्शन नाजरीन हमारे एक्सपर्ट ने आज अपनी बातें आपके सामने रखी हैं और उन्होंने बताया जब तक पॉलिसियों में तसलसल नहीं आएगा इस मुल्क में इस टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाना नामुमकिन होगा अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अजीब को जस्त दीजिए अल्लाह